और रघुवर दास के कार्यकाल में 17,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था और उस वक्त की विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन बच्चों के खिलाफ उठाया गया कदम इसे बताया था। लेकिन मौजूदा सरकार के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर दूर दूर तक कोई तस्वीर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में कुछ स्कूलों का मर्जर किया गया। मर्जर से बंद हुए सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने के वादे के साथ जेएमएम सत्ता में आई, लेकिन इन स्कूलों को खोलने की अभी तक हरी झंडी नहीं मिली। जो स्कूल कुछ कंसोलिडेशन हुआ था, जो बहुत छोटे छोटे स्कूल थे, बहुत ही लिमिटेड संख्या में बच्चे थे, तो वही एक अच्छा स्कूल देने के लिए जिसमें शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो, सफिशियंट कमरे हों। स्कूलों को फिर से खुलने का इंतजार है, लेकिन बंद पड़े स्कूल भवन देखभाल के अभाव में जर्जर हो रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी। निर्णय बहुत ही बेहतर है और यदि जितना भी खोला जाए, जितने भी गरीब छात्र हैं, ग्रामीण छात्र हैं और शहर में भी बहुत बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों से जो बहुत अधिक मतलब कि लूटे जा रहे हैं, उनसे बहुत अधिक सहायता मिलेगा। अब देखना है कि सरकार इन बंद पड़े स्कूलों को खोलने की हरी झंडी कब दिखाती है। रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट।